और मेरे हिसाब से अब आएंगे भाई अलग तरह के डायनासोर्स आएंगे हम भाई, अलग तरह के डायनासोर्स आएंगे, क्योंकि हर स्टेज पे इस गेम में भाई, इस गेम की खूबी है हर स्टेज पे नए तरह के मॉन्स्टर्स आते हैं। ओ भाई साहब, अब की बार ये क्या आ गया? आगे आगे भाई, इस यहाँ से तुम्हें जाकर बताऊंगा। 11 12 13 14 15। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कुछ भी है क्या इधर? ओ ये क्या है? यू विल भाई साहब, कोई हमें गन मिली है? नहीं, दिखने में तो भाई खतरनाक गन लग रही है। ओ भाई साहब, लेजर गन लग रही है मेरे को तो। ये मेरे को शॉट गन की एमो मिल गई है, राइफल की एमो भी मिल गई, और इस गन को ट्राई करके देखते हैं एक बार। ओ भाई साहब, अंत गन है तो। ओ भाई ये क्या है? कितनी गोली लगती है भाई इसके? जब मॉन्स्टर मरेगा ट्राई करना पड़ेगा भाई। और बाहर मॉन्स्टर है भाई, मेरे को आवाज आ रही है, आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर लग रहे हैं मेरे को। हम अंदर ही सेफ हैं अभी तो, बाहर तो नहीं है ना कोई मॉन्स्टर? नहीं बाहर कोई। ओ भाई साहब, ये क्या था? बाहर ही है भाई मॉन्स्टर तो। ओ भाई साहब, गोली मार दिया इसने, एक गोली में भाई साहब इतना बड़ा मॉन्स्टर जिसको मेरे को इतनी एमो यूज करनी पड़ी, उसने एक गोली में मार दिया बस। स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तबाह कर लाएगा, शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। और आज हम खेलेंगे अपना वही डरावना गेम जिसका नाम है डेथ पार्क 2। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो भाई हमारा गेम हो चुका है। तो ये कुछ बोल रहा था भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा ही बोलता रहता है। और हम आ चुके हैं अपने गेम के अंदर, और हम लास्ट बार हमें गेट खोलना था, तो हम अपने लास्ट सेव गेम पे आ चुके हैं। और मेरे सामने आ चुके हैं मॉन्स्टर्स, मेरे हिसाब से मॉन्स्टर्स आ गए हैं यार। मैंने पिछली बार तो इनको मार दिया था, लगता है दो बचे हुए भाई। एक गोली तो मार दी मैंने, मेरे को भागना पड़ेगा और मेरे को साथ साथ गोली भी मारनी पड़ेगी। एक बहुत मर गए, 4% मेरी हेल्थ रह गई है बस भाई। एक हाथ ऊपर क्या नहीं था, फिर नहीं बचा। ओ भाई साहब, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह कर दी गलती, पीछे भागना था यार पहले। चलो कोई नहीं भाई, अब की बार आखिरी बार। तो चलते हैं भाई, अपने लास्ट गेम पे मैं आ चुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इनसे लड़ू ही ना। लेकिन देखो राइट लेफ्ट में जो गया हुआ है डायनासोर, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा भाई। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एक तो वो जा रहा है उधर, और एक इधर पाएगा हमें। अच्छा, दोनों साइड गए तुम, सही है भाई। हम अपना लॉक जल्दी ऑन करते हैं, यहाँ लॉक लगा हुआ है ना। तो भाई इस पे लिखा है प्रेस 7 2 steps टू द राइट, मतलब कि 9 2 steps अप, मतलब 3 step टू द लेफ्ट 2 step। ठीक है भाई, हमारा खुल गया डोर और हम आ चुके हैं अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और मेरे हिसाब से अब आएंगे भाई अलग तरह के डायनासोर्स आएंगे हम भाई, अलग तरह के डायनासोर्स आएंगे, क्योंकि हर स्टेज पे इस गेम में भाई, इस गेम की खूबी है हर स्टेज पे नए तरह के मॉन्स्टर्स आते हैं। ओ भाई साहब, अब की बार ये क्या आ गया? अरे भाई मेरी तो हेल्थ 4% 19% हेल्थ बची हुई भाई, एक भी मार देगा ना ये मेरे को यार। ये क्या हो गया यार, कैसे हो गया ये? ये फर्स्ट एड किट नहीं है, ये तो शॉटगन की एमो भाई, शॉटगन की एमो का मैं क्या करूंगा आगे भाई साहब? गेट ही दरवाजा ही नहीं, आगे भाग ही नहीं सकते कहीं पे। लो भाई, अच्छा ये तो पागल था थोड़ा। अरे तो साइड में से निकल गया मैं। ओ भाई अच्छा, इसको डैमेज हो रहा है, सारी गोली उतार दूंगा इसके अंदर मैं, 2 3 रिलोड कर लेता हूँ एक बार, 4 5 आ जा बेटा, 6 7 अरे यार ये फास्ट है, 9 10 आगे भाई, इस यहाँ से तुम जा सकता हूँ, 11 12 13 14 15। खत्म,
बाय बाय टाटा गुड बाय गया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। पंद्रह पे मारा कर दिया भाई काम तमाम। तो भाई दोबारा मैं लास्ट गेम पे आ गया हूं अपनी और अच्छा इस दरवाजे के अंदर घुस सकते हैं भाई, ये कमरे के अंदर हम घुस सकते हैं। इधर कुछ लिखा हुआ है सब, ये इसकी बैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है। सब्जेक्ट लिली, इसकी बैंड को लिली सब्जेक्ट कह रहे हैं भाई। एंड चार्ली वर्ड ट्रांसफर टू द बेस ट्रांसपोर्ट। अच्छा ठीक है, ज़्यादा मुझे कुछ पढ़ना है नहीं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, हमें सिर्फ खेलने से मतलब है। इतना पढ़ाई लिखाई में मैं ध्यान नहीं दे पाता। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। तो पिस्टल की एमो, राइफल की एमो और हाथ में बेसबॉल का बैट। इधर देखो इसकी नाड़ आ रही है, मुंडी आ रही है इसकी लड़की की छोटे की भाई। क्या फनी है यार ये, तो अजीब सा लग रहा है मुझे ये देखने में। ये क्या और कुछ नहीं बचा है। तो भाई हम वो लेटर तो हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि भाई बहुत ही लबड़ा था वो लेटर। फुर्सत में तो मैं पढ़ भी लेता भाई, पर अब मैं मोस्टर आने वाला है, अब मोस्टर आ जाएगा। ओ भाई साहब आ गया मोस्टर। चलो भैया अभी इसको दिखाते हैं, पहले तो ऑटो गन के अंदर बूंद देता हूँ। सारी गोली सी खत्म हो गई है, अब इसकी गोली एक एक दो। दर्द तो हो रहा है इसको, दर्द तो हो रहा है यार, ये मरना बहुत मुश्किल है यार। इतने में घूम के आ जाऊँगा वहाँ से, एक बार कोने भी ले जाएंगे और वहाँ से भी घूम के आ जाएंगे। शॉट गन भी हमारे पास, शॉट गन यूज़ कर लेंगे भाई अपनी। आ जा बेटा अब घूमना पड़ेगा मुझे और घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। यहाँ के दरवाजे नहीं खुलते क्या भाई? क्या होता है दरवाजों के अंदर घुस जाए हम? अरे तुम्हारे क्या मोटे साले, वो जो भी करा तूने मुझे, ले और ले। तो भाई यहाँ एमओ रखी हुई है, तो मैं एमओ उठा लेता हूँ और अपना गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस मॉन्स्टर से दोबारा नहीं लड़ना चाहता हूँ। इस मॉन्स्टर से मेरे लड़ने का कोई और मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर मैं सेव नहीं करूँगा ना तो भाई साहब दोबारा आ जाएगा ये। तो मुझे शॉटगन मिल गई है, राइफल की एमओ मिल गई है और कुछ नहीं है इधर खास। मुझे लग रहा है इधर कोई पजल मिलेगा हमें। तो सामने कुछ मुझे लगा हुआ दिख रहा है मशीन टाइप, तो इसको बटन दबानी है क्या भाई? कुछ दबी नहीं रहा इधर, तो मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूम ए दबा रहा हूँ, रूम ब्लॉक सी दबा रहा हूँ, कुछ दबी नहीं रहा इधर। तो हिंट मिलेगा इस क्वेश्चन मार्क पे। तो ये ब्लू ब्लू कुछ टच रहा है भाई सब इधर, इधर भी टच कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। गलत तो नहीं आ गया हूँ मैं? होगा तो भाई यहीं से ही, होगा तो यहीं से ही। एक बार दबा के देखता हूँ एक बार और। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे ऊपर उठाना है। क्या बोला तूने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लौंडा। अच्छा रूम बी की भाई लाइट जा चुकी है और इसको मैंने ऊपर उठा दिया, इसको भी ऊपर उठा दिया। अच्छा जिस लाइन में ये हो जाएंगे वो लाइन खुल जाएगी। अच्छा ब्लॉक सी हमारा खुल गया है। एक बार रूम ए में भी जाके देख लेते हैं भाई साहब, पहले रूम एक को चला के देखते हैं क्या होता है, उसमें कुछ हमें मिल जाए। ब्लॉक सी तो बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा ना, रूम तो छोटा सा पाएगा। हाँ तो ब्लॉक एक हमारा, रूम ए हमारा खुल गया है, ब्लॉक ए कह रहा हूँ, ब्लॉक सी मतलब कि। तो फर्स्ट एड किट मिल गया, पिस्टल कैमो मिल गई। जल्दी सी मैं अपनी रीलोड कर लेता हूँ, पहले रीलोड करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, 12 ही गोली है। और ब्लॉक सी में हम चलते हैं, ब्लॉक सी का दरवाज़ा खुल गया है और बता नहीं अंदर क्या मिलेगा भाई। अच्छा ये हमें वो मिल गया डेथ पार्क का, ये चाबी मिल गई, इससे डेथ पार्क हमारा खुल जाएगा, हम डेथ पार्क के अंदर अब जा सकते हैं। और कुछ भी है क्या इधर? ओ ये क्या है? यू विल भाई साहब कोई हमें गन मिली है? नहीं दिखने में तो भाई खतरनाक गन लग रही है। ओ भाई साहब लेजर गन लग रही है मेरे को तो। ये मेरे को शॉटगन की एमो मिल गई है, राइफल की एमो भी मिल गई। और इस गन को ट्राई करके देखते हैं एक बार। ओ भाई साहब अंत गन है तो। ओ भाई ये क्या है? पर इसको एक बार यूज कर सकते हैं और इसमें गोली भी इन्फिनिटी है, मतलब रिलोड लेने में बहुत टाइम लगेगी एक बार चलने के बाद। इतने में तो भाई मॉन्स्टर्स हमारा काम पूरा कर देंगे। कितनी गोली लगती है भाई इसके जब मॉन्स्टर मरेगा? ट्राई करना पड़ेगा भाई। और बाहर मॉन्स्टर है भाई, मेरे को आवाज़ आ रही है, आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स लग रहे हैं मेरे को।
हम अंदर ही सेफ हैं अभी तो। बाहर तो नहीं है ना कोई मॉन्स्टर, नहीं बाहर कोई। ओ भाई सब, ये क्या था? बारी है भाई मॉन्स्टर तो। ओ भाई साहब गोली मार दिया उसने, एक गोली में भाई साहब इतना बड़ा मॉन्स्टर जिसको मेरे को इतनी एमो यूज करनी पड़ी, उसने एक गोली में मार दिया बस। वाओ ब्यूटीफुल। तो इधर कोई पासकोड है कुछ? पासकोड क्या होगा यहाँ का? पासकोड 7 है क्या? पासकोड तो भाई मैं पता नहीं है। तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स टाइप एलियन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है इधर तो भाई कुछ। इसका मतलब 4 है, इसका मतलब 7 है, इसका मतलब माइनस है और उसका मतलब प्लस है, इसका मतलब इक्वल टू है। अच्छा कोड है पी सी और इस पी सी और एक ई टाइप कुछ बना हुआ है। तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। पी का मतलब है भाई, पी में जो ये 7 है ना, 7 मेरे को अटैच दिख रहा है और इसका मतलब प्लस है तो इसका मतलब 8 है क्या पहले? और इस सी में मुझे लग रहा है कि 8 + 1 = 9 और ये जो ई है ना ई, ये क्या हो सकता है? देखो ऊपर जो 4 है वैसा ही थोड़ा थोड़ा है लेकिन इसमें डंडा नहीं है ऊपर, तो ये क्या हो सकता है भाई? 4 ही हो सकता है क्या? 8, 9 और 4 हो सकता है कोड, 8, 9, 4 हो सकते हैं। लेकिन भाई इस माइनस का क्या इस्तेमाल होएगा? ये जो यू बना हुआ है जिसके बीच में डॉट है उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा भाई इधर। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो भाई साहब एक बार ट्राई करेंगे हम कोड को। तो कोड हो सकता है मेरे हिसाब से 7 और 8, 9। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भाई हमारे अचीवमेंट अनलॉक हो गया क्रैकिंग फील्ड, बहुत अच्छी बात है। क्रैकिंग फील्ड की कोई अचीवमेंट होती है भाई? क्या दिमाग है इनका। 7, 8, 9, 8 भी नहीं हो रहा भाई। 4 भाई कोई हमारे जनता बता दो यार, हमारी फैमिली में कोई है क्या? बहुत मुश्किल यार, मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले सकता। क्या मैथ्यूज हुआ भाई इधर? इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब 4 है, इसका मतलब 7 है, इसका मतलब इज इक्वल टू है और इसका मतलब है कोड है पी सी ई। कोड का मतलब तो पक्का पासवर्ड है, ये तो पक्का पासवर्ड है भाई, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, ये तो पक्का पासवर्ड है। पर मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। और भाई बहुत देर मेरे को कोशिश करते हुए एक चीज़ बात लिखी, इस वाली दीवार पर भी कुछ लिखा हुआ है और इस वाली दीवार पर इक्वेशन लिखी हुई है और ये हमारी वैल्यूज थी। तो जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसको देखो C + C इज इक्वल टू ये वाला, तो इसको मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और इसमें लिखा हुआ है 4 + C इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या था? सी का मतलब, इस यहाँ पे सी का मतलब था तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी का वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी 4 और नीचे है 7, U और C, तो इसका मतलब था माइनस। तो 7 में 7 माइनस करना है, 2 तो 7 - 2 5। तो हम फिर जाके मेरे को कोड समझ में आया और फिर मैंने डाला 4, 3, 2 और देखो मेरा कोड हो गया सक्सेसफुल। तो भाई मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी देश को बचाना है, जैसे ऐसे हमें मॉन्स्टर से लड़ना है तो मैथ भी भाई काम आ सकता है, आज मेरे को ये पता चल गया है। चार बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अच्छा हमको सिखा रहा है। और मैं इसी वजह से मेरे को ये मिला है भाई साहब बैटरी के, देखो टावर बैटरीज। ये मैथ अगर मेरे को नहीं आता ना भाई साहब तो मैं बाहर ही खड़ा रहता है पूरी ज़िंदगी से गेट के। तो भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसी बात मैं मान ली भाई। और भाई मेरा मैथ बहुत अच्छा रहा है स्कूल टाइम में, मैं बहुत अच्छा था मैथ में। और पिस्टल कैमो मेरे को मिल गई है। और भाई यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या घपला है भाई? हम इस गेट से आए तो थे पर यहाँ पे कोई गेट ही नहीं है, अंदर कमरे में हम यहाँ से आए थे। देख जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार अंदर चलता हूँ, देखो कहीं मॉन्स्टर्स ना आ जाए दोबारे। चलो भाई चलते हैं एक बार अंदर और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि हम इस गेट से अंदर गए थे तो यहाँ पे एक गेट है, ये रहा गेट, पर ये गेट तो इतनी दूर तक जा रहा है और उस साइड तो कुछ है ही नहीं। मतलब अच्छा ये बेसमेंट, अच्छा ये यहाँ तक ख़त्म था और नीचे जाके बेसमेंट में से हम आए थे। तो एक बार इस साइड और जाके देख लेते हैं भाई, यहाँ ऊपर जाके क्या है, क्योंकि यहाँ एग्जिट तो हो नहीं सकता। यहाँ एग्जिट हो सकता है क्या? इधर ऊपर जा रहे हैं हम बेसमेंट में से। अच्छा ये गेट वो वाला गेट आकर जो शुरू में था, पहले एपिसोड या दूसरे एपिसोड में। अच्छा अच्छा सीधा सिटी में आ गए अब।
सिटी में आ गए भाई हम, ठीक है। और मेरे को यहाँ मिल गई है ये वाली शॉटगन की एमो और राइफल की एमो। और अब तो भाई कोई डर नहीं है मॉन्स्टर्स का, देखो ऐसे भूनता हूँ इसको। क्या बात है, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके, एक ही गोली में खत्म। कितना ही बड़ा मॉन्स्टर हो, पेनीवाइज आ जाए ना, पेनीवाइज आ जाए एक बार आगे यार। मेरे को पेनीवाइज को मारना है इस बंदूक से। तो मैंने एक बार मिशन देख लिया है, मेरे को टावर्स में बैटरी डालनी है और मेरे को डेथ पार्क की चाबी तो मिल ही चुकी है। तो चलते हैं भाई अपने डेथ पार्क के अंदर, पहले एक बार टावर देख लेता हूँ इधर ही किधर होगा टावर। एक बार मैप में टावर चेक कर लेता हूँ, एक तो सामने है, एक इस साइड है और एक डेथ पार्क के बिल्कुल पास है। तो तीन टावर ही दिखा रहा है, एक तो इधर, एक डेथ पार्क के पास और एक बीच में दोनों के। तो चलो भाई अपने सामने देखते हैं टावर किधर है। इधर ये रहा भाई सामने वाला टावर। तो वो भाई समोसा सही है, तो क्या ही डरना है। लो भाई भून दिया, इसको भी भूनू क्या, अभी रीलोड नहीं हुई भाई अपनी गन। भाई इसका मतलब समझ रहे हो ना, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। अगर ये गन में मिली है ना, इसका मतलब और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स आएंगे जो इस गन से भी नहीं मरेंगे। इस लेवल के मॉन्स्टर्स आ सकते हैं भाई इस गेम में। अब लो भाई एक मॉन्स्टर मैंने मार दिया, मॉन्स्टर तो मैंने कहीं मार दिया। पर अपना मैं गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता दोबारा मेरे को ये करना पड़े। तो अगली बार अगर हमारी हेल्थ कम हुई, हम अगर हमारी लाइफ गई, तो हम यहाँ ही आ जाएंगे दोबारा। ये यहाँ पे पहले आग लगी थी, उसने पहला एपिसोड में देखा हुआ, जाके देख लो। इधर भी बहुत मजा आया था, इधर भी बहुत मिस्ट्री थी भाई। और ये वाला टावर तो नहीं है, इसको पर भूनता हूँ मैं, एक बार रीड करता हूँ। और टावर ये पीछे ही, हमारे पीछे ही टावर, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये रहा। इसमें भी बैटरी रख देता हूँ मैं, तो दो बैटरी में रख दी। एक लास्ट टावर रह गया बस, वो डेथ पार्क के पास ही है। तो जल्दी अपने डेथ पार्क के अंदर चलते हैं। तीसरा टावर किधर है, तीसरा टावर डेट टू द डेथ पार्क सामने दिखा रहा है भाई। तो भाई हम अपना आगे बढ़ रहे हैं और मुझे यहाँ कोई टावर ही नहीं दिख रहा। ये मेरा भ्रम है क्या, सही में यहाँ पे कोई टावर नहीं है भाई। ये तो दिखा रहा है मैं टावर के पास ही खड़ा हूँ। यार डेथ पार्क के अंदर है क्या टावर, या तो डेथ पार्क के अंदर मिलेगा हमें टावर। ये पर मैं जाके देख लेता हूँ भाई, उस साइड ऐसा हो ही नहीं सकता टावर ना हो इधर, क्योंकि मैप पे तो दिखा रहा है मैं टावर के पास खड़ा हूँ। लोग भाई ख़त्म कर दिया मैंने इस मॉन्स्टर को इतनी अच्छी तरह, और इधर कोई टावर है ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर डेथ पार्क के अंदर भी टावर है तो इधर दिखना तो चाहिए ना भाई टावर। तो भाई अपना अंदर चलते हैं वो डेथ पार्क के जल्दी सी। और मेरे हिसाब से तो डेथ पार्क के अंदर ही मिलेगा टावर, अगर इधर टावर नहीं है तो डेथ पार्क के अंदर ही मिलेगा। नहीं है भाई इधर नहीं है, पर कन्फर्म कर लेता हूँ, पेड़ ही पेड़ है इधर, कोई भी नहीं है भाई टावर वावर। तो हेड टू द डेथ पार्क टू सेव योर सिस्टर, फाइंड योर सिस्टर इन द पार्क। ओके हमें हमारी बहन भी लगी पार्क में, अच्छा हम साथ में मिलकर खेल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात लगी। तो अगली गेम में मिलते हैं भाई। भाई को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का सेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।